और इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं इलेक्ट्रिक सीट्स, फ्रंट की ड्राइवर और को ड्राइवर वाली दोनों सीटें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये चीज मारुति से ही काफी बाहर को निकली हुई रहती है। जब इसके साथ अगर एक चौड़ा अलॉय व्हील इंस्टॉल हो जाता है ना मारुति सुजुकी इग्निस के अंदर, पहली बात तो ये सीट्स नहीं आती, और सेकेंडरी अगर इन सीट्स की मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत कार्स। आज हमारे सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी इग्निस, और भाई इसके अंदर इतनी बेस्ट मॉडिफिकेशन हो रखी है, मैं कह रहा हूँ आज तक शायद आप लोगों ने क्या पता ऐसी मॉडिफिकेशन देखी ना हो, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो जेन्युइनली आप लोगों को देख के मजा आ जाएगा। आप लोगों को एक छोटी गाड़ी के अंदर इतनी जबरदस्त चीज कैसे इंस्टॉल कर दी है, तो वो क्या है क्या नहीं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और ओवरऑल अगर एक कंप्लीट लुक की बात करी जाए तो ब्लैक कलर के अंदर गाड़ी है, और मारुति सुजुकी इग्निस के साथ एक बहुत बड़ा डाउनसाइड क्या है, अगर इसकी पूरी बॉडी के साथ इसके टायर देखे जाए ना तो इसमें पतले पतले से टायर ना अच्छे नहीं लगते, कहीं ना कहीं पर अगर हल्के से ब्रॉड जाए थे अभी इसके अंदर जो है टायर और अलॉय व्हील डले हुए हैं, ये कहीं ना कहीं भाई इस गाड़ी की जो लुक्स है उसको काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं, एंड साथ के साथ कहीं ना कहीं आपकी राइड क्वालिटी भी अच्छी होगी और काफ़ी सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसकी भाई जो लुक्स है वही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। जैसे कि अभी हम बैठ के आए हैं तो सस्पेंशन वाइज भी झटके वगैरह या गड्ढे वगैरह कम फील हो रहे हैं, और अगर जैसे ब्लैक कलर की गाड़ी है उसके साथ इन अलॉय व्हील की लुक की मैं बात करूं तो बड़े सुंदर जा रहे हैं, देखने में काफ़ी सही नज़र आ रहे हैं। तो फटाफट करते हैं इस गाड़ी के ऊपर जितनी मॉडिफिकेशन हुई है उसके बारे में बात। और इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करी गई हैं इलेक्ट्रिक सीट्स, फ्रंट की ड्राइवर और को ड्राइवर वाली दोनों सीटें आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ देखने के लिए मिलेंगी। कौन सी गाड़ी के कैसे वर्क करते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको वीडियो में आगे। सबसे पहले अगर देखोगे तो इस गाड़ी की जो फ्रंट की एक ग्रिल है ये चेंज करी हुई है, इसका जो डिज़ाइन देख रहे हो आप ये टोटली चेंज है, ये खुद अपने आप बनाई गई है प्रॉपर, बढ़िया सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलेगा, क्रोम एलिमेंट मिल जाएंगे दोनों साइड, लाइट के सराउंडिंग आपको क्रोम देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर पूरा कंप्लीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी लुक्स को एनहांस कर रहा है। फ्रंट से देखने में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लग रही है। सेकेंडरी अगर आप दूसरी चीज़ देखोगे तो इसका जो बम्पर है फ्रंट से ब्लैक कलर के अंदर है, तो रियल लाइफ में ज़्यादा हाईलाइट और आपको वीडियो में अब नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इसका जो बम्पर है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा है ब्लैक कलर की, सामने की साइड आपको ग्रिल देखने के लिए मिल जाएगी नीचे की तरफ में, और उसके ऊपर आप लोगों को क्रोम एलिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड अगर फ्रंट की लुक की कंप्लीट बात कर जाए तो फ्रंट की लुक्स जो है वो इसकी गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो गई है, अगर आप एक नॉर्मल स्टॉक इग्निस देखेंगे उसके सामने ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगी। एंड अगर मैं रोड प्रेजेंस की बात करता हूँ तो रोड प्रेजेंस भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है, देखने में बढ़िया नज़र आ रही है, ब्लैक कलर में ना अटेंशन ग्रैब कर रही है। साइड प्रोफाइल से अगर बात कर जाए तो साइड प्रोफाइल के अंदर सबसे मेजर अपग्रेड तो आपको अलॉय व्हील नज़र आएगा, और अगर सेकेंडरी अपग्रेड की बात करता हूँ तो ये फुटबोर्ड्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे साइड में, जो कि इसकी क्लैडिंग के साथ जो प्लास्टिक की क्लैडिंग कंपनी की आती है उसी के साथ ये मर्ज करें इंटीग्रेट करें, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहे हैं। एंड गाड़ी की जो लुक है उसको एक हैवी वाली लुक दे रहे हैं, या मतलब थोड़ी सी गाड़ी आपको और हैवी लगने वाली है। टायर्स की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसके अंदर गुडियर का आपको टायर देखने के लिए मिलेगा, प्रोफाइल रहने वाली है 195/55 R16 inches के, इसके अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कर दिए हैं, सही है, अच्छे खासे ब्रॉड है। अगर ब्रॉडनेस की बात कर जाए तो आप लोगों को एक बार मैं ब्रॉडनेस भी दिखा देता हूँ, देखो इतने आपको ब्रॉड इसके अंदर टायर देखने के लिए मिलने वाले हैं टायर्स, और अच्छे से मैं आपको एक बार पीछे से दिखा दूंगा, क्योंकि इस गाड़ी के जो आर्चीज़ है ना, या फिर आप लोग कह सकते हो जैसे फ्रंट का फेंडर रहता है, तो ये चीज़ मारुति से ही काफ़ी बाहर को निकली हुई रहती है। जब इसके साथ अगर एक चौड़ा अलॉय व्हील इंस्टॉल हो जाता है ना तो इस गाड़ी की लुक्स में भाई मज़े से आ जाता है, क्योंकि ये छोटी सी गाड़ी है और थोड़े बड़े बड़े अलॉय व्हील डल जाए ना तो मतलब वाव वाली बात हो जाती है। सेम अगर आप लोग रियर देखोगे तो रियर का जो बम्पर है उसके अंदर भी आपको थोड़ी सी एक एक्सटेंशन देखने के लिए मिलेगी, जो कि कुछ ऐसी लगने वाली है, पीछे की तरफ से अच्छी नज़र आ रही है देखने में। छोटी छोटे इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे इस गाड़ी में, जो कि इसकी लुक्स को अच्छा बनाने के लिए काम करते हैं, ठीक है। अगर इधर की साइड से देखोगे तो इधर से भी आपको सेम कुछ वैसी लुक देखने के लिए मिलेगी जैसे उधर से आ रही थी, बाकी यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको स्पॉइलर मिल जाएगा, ये इसके अंदर स्पॉइलर है। चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर दिखाता हूँ सबसे पहले आप लोगों को मैं। सबसे पहले ड्राइवर साइड डोर अगर ओपन करेंगे तो ड्राइवर साइड डोर के ऊपर आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पे लेदर रैप देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा लेदर है ये सब। यहाँ ऊपर की साइड में आप लोगों को इसमें टैन कलर का लेदर देखने के लिए मिलेगा, और अगर नीचे देखोगे तो ये भी भाई रैप है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक है, यहाँ पर प्लास्टिक है बट ये पूरा आप लोगों का रैप करा हुआ है। एंड उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे भाई कार्बन फाइबर का टच देखने के लिए मिल जाएगा इधर की साइड में, यहाँ पे आपको डोर अनलॉक करने वाले हैंडल के सराउंडिंग प्रॉपर कार्बन फाइबर मिलेगा, ये प्रॉपर आपका कार्बन फाइबर है। आप लोगों ने इग्निस के अंदर देखा होगा यहाँ पे गोल सा हैंडल रहता है जिसको पकड़ के बंद करते हैं, बट इस कार के जो ओनर थे उनको भाई ये गोल हैंडल्स इतने पसंद नहीं थे, तो यहाँ पे इसको भाई बंद करवाया गया प्रॉपर कार्बन फाइबर के अंदर। एंड यहाँ पे आपके जो नॉर्मल स्पीकर हैं वो रहने वाले हैं। अब अगर मैं मेन हाईलाइट की बात करता हूँ वो है इस गाड़ी के अंदर सीट्स, ये देखो मारुति सुजुकी इग्निस के अंदर पहली बात तो ये सीट्स नहीं आती, और सेकेंडरी अगर इन सीट्स की मैं बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ आते सीट्स आते हैं टोयोटा की कैमरी कार के अंदर, जो कि कंफर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है, काफ़ी ब्रॉड है सीट्स और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाली हैं। अब चलाते हैं इसको, सबसे पहले भाई इसको कर दूँ म्यूट। अब अगर आगे करनी है तो भाई देखो नॉर्मल आपकी जो सीट्स हैं इस तरीके से आगे हो जाएंगी। ए सी का जो फ्लो है भाई वो भी कम करूँ मैं, तो
ऐसे करके भाई अपनी जो सीट है देखो आगे जाएंगी, ऐसे करके जो अपनी सीट है भाई आपको पीछे जाती हुई नज़र आ रही होगी, इनक्लाइन रिक्लाइन और इनक्लाइन आपका इधर से वर्क करेगा। एंड ये सीट जो है ना अभी सिक्स वे एडजस्टेबल है, अगर आप लोग इसको चाहो तो ऊपर नीचे भी कर सकते हो, तो ऊपर नीचे ऐसे होगी। ये भी देखो नीचे की तरफ जा रही है सीट, और ऐसे करूंगा तो भाई आपकी जो पूरी सीट है वो ऊपर की साइड आएगी। तो बेसिकली इस वाली सीट को उस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, जिससे कि आपको कंफर्ट मिल सके। छोटी गाड़ियों के अंदर जो सीट्स होती है ना उनमें बैक सपोर्ट इतना अच्छा नहीं होता, यहाँ पे थाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिलता, तो उन सारी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए इस गाड़ी के अंदर फ्रंट की दोनों जो सीट्स हैं वो चेंज करी हैं। को ड्राइवर वाली सीट भी आप लोगों को एक बार मैं चेकआउट करवा देता हूँ, वो भी प्रॉपर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ इंस्टॉल करी है। और को ड्राइवर वाला डोर खोलूंगा तो सारी सेम एलिमेंट्स आपको इधर भी देखने के लिए मिलेंगी, सॉफ्ट टच मटेरियल प्लास्टिक कार्बन फाइबर का कंप्लीट यूज़, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्रोम डोर हैंडल के सराउंडिंग में भी कार्बन देखने के लिए मिल जाएगा। ये मैं करता हूँ भाई देखो आगे, तो ये को ड्राइवर वाली सीट आपकी आगे हो जाएगी, ये पीछे, एंड रिक्लाइन और इनक्लाइन। ये वाली सीट जो आपकी वो सिक्स वे एडजस्टेबल नहीं रहती, इसको आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, बट ड्राइवर साइड सीट जो है उसको आप सिक्स वे एडजस्ट कर सकते हो अपनी ऊपर और नीचे वाली एडजस्टमेंट के साथ में। अब मैं आपको इसके अलावा और दिखाता हूँ इस गाड़ी के इंटीरियर के अंदर क्या क्या काम हुआ है, वो चीज़ आपको एक बारी मैं चेकआउट करवा देता हूँ। थोड़ा सा भाई एसी चला लेते हैं, सीट मैं कर लेता हूँ पीछे, ये मैं बैठा हूँ सीट पर और सीट मेरी पीछे होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अगर स्टीयरिंग व्हील पे बात करते हैं तो अगर आप लोगों को जो ये सॉफ्ट टच मटेरियल है देख के ऐसा लग रहा होगा कि इसके ऊपर ही ऐसे ऐसे निशान से क्या है, भाई ये लेदर है, ये है ही इस टाइप का, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ऐसे निशान है, ये है ही इस टाइप का, यही इसकी क्वालिटी है। डुअल टोन इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील आपको रैप देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को प्रॉपर कार्बन फाइबर का यूज़ देखने के लिए मिलेगा जो काफ़ी अच्छा लगता है। एक छोटी चीज़ भाई जो डिटेलिंग वाली है वो आप ये चेकआउट करो, इस पार्ट को भी कार्बन फाइबर करा है। यूजुअली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको हर छोटी छोटी डिटेलिंग पर कार्बन फाइबर अधिकतर गाड़ियों के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स पे होता है, बट अगर इस गाड़ी की मैं बात करूं तो कंप्लीट ड्राइवर साइड डोर पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा कार्बन फाइबर है। यहाँ पे आपको प्रॉपर डिप देखने के लिए, ये प्रॉपर भाई कार्बन फाइबर डिप होता है जो कहीं नहीं जाता, सालों साल बढ़िया चलता है। नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे इस एलिमेंट पे कंप्लीट कार्बन फाइबर है, और ये भी आपका पूरा कार्बन फाइबर करा हुआ है। एसी वेंट की डिजाइन की अगर बात करें तो भाई एएमजी इंस्पायर्ड आप लोगों को एसी वेंट देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर ऐप है कि भाई ऐप के थ्रू भी आप लोग अपना जो कलर वगैरह वो चेंज कर सकते हैं, इस बटन से भी कर सकते हैं, पूरी रोटेट करके अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी वैसे आप लोग इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही ऐप की बात, और उसके अलावा भाई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो इसकी जो गियर नोव है उसको भी भाई पूरा रैप कर रखा है। और इंटीरियर की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो आपको हर छोटे एलिमेंट के ऊपर भाई टैन कलर का इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो इसके अंदर वाइजर्स हो या फिर वैनिटी में मिरर इधर की साइड भी, एंड यहाँ तक कि जो लाइट्स वाला एरिया, यहाँ तक कि लाइट का जो बटन है उसकी भी छोटी छोटी डिटेलिंग का ध्यान रखा है, एंड साथ में जो इसका IRVM है वो भी प्रॉपर भाई टैन कलर में कन्वर्ट करा है। रूफ की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट वाला कपड़े का यूज देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। एंड पीछे की अगर आप लोग सीट्स को चेकआउट करोगे तो कुछ ऐसे आप लोगों को भाई इसके अंदर सीट कवर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा सही लग रहे हैं। पीछे की तरफ आप लोगों को प्रॉपर भाई कंप्लीट कार्बन फाइबर का टच देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, एंड अगर नीचे की साइड में बात करता हूँ तो जो आप लोगों का ये स्पीकर की ग्रिल है वो ब्लैक आउट रहेगी, एंड जो प्रॉपर है पूरा इसके ऊपर आप लोगों को जो रबर पेंट होता है वो करा गया है, क्योंकि यहाँ पे इतना कंफर्टेबल यहाँ पे अच्छे से लेदर रैप नहीं हो सकता, स्पेस नहीं है, अगर होती तो वो भी चीज कर देते। बाकी इस गाड़ी के अंदर जितना बढ़िया तरीके से वाली सीट्स इंस्टॉल कर दी गई हैं, और अगर कोई देखेगा तो देख के कोई जज भी नहीं कर सकता कि ये कैमरे की सीट्स है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है सीट बैठने में। मेरा जो थाई सपोर्ट है वो काफी ज्यादा एनहांस हो गया, एंड साथ में यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो, इधर देखो मेरा जो बैक सपोर्ट है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया हो गया है। बाकी अगर मैं ओवरऑल कंप्लीट कार के बारे में बात करता हूँ तो ऐसी कुछ भाई इस गाड़ी को बनाया है, इंटीरियर ही नहीं एक्सटीरियर भी इस गाड़ी का बहुत ही ज्यादा शानदार है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर इस टाइप का आप में से किसी को भी अपनी गाड़ी में काम कराएं तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एंड साथ में जो लाइट्स हैं नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पे एम्बेंट लाइट भी मिलेगी इधर इधर और आगे की साइड में। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।